फिरोजाबाद में ट्रैक्टर से रौंदने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया। फिरोजाबाद के थाना नारखी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गढ़ी कल्याण में ट्रैक्टर चढ़ाकर निर्मम हत्या को अंजाम दिया था। निर्मम हत्या का मुख्य आरोपी ट्रैक्टर चालक इंद्रपाल मुठभेड़ में घायल। नारखी व रामगढ़ पुलिस सहित एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना क्षेत्र नारखी के जोंधरी पर मुठभेड़ हुई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जनपद फिरोजाबाद के थाना नारखी के अंतर्गत जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए तहसील प्रशासन के साथ साथ थाना नारखी का पुलिस बल अपने लाव लश्कर के साथ गढ़ी कल्याण गया था। देखिए, हम लोगों को आज एक विशेष आसूचना प्राप्त हुई थी कि जौंधरी रोड नारखी पर एक संदिग्ध का मूवमेंट है। इस सूचना पर हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, नारखी पुलिस तथा रामगढ़ पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक पे दिखाई पड़ा, जिससे मुठभेड़ हो गई, जिसमें वो घायल हुआ। उसे तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम इंद्रपाल बताया है। इंद्रपाल वही व्यक्ति है जो 3 अक्टूबर को गढ़ी कल्याण थाना नारखी में जो घटना घटित हुई थी, जिसमें यह मुख्य अभियुक्त था और यही ट्रैक्टर चला रहा था। इस घटना में एक रिटायर्ड हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर थे, उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अभी इसमें 3 अभियुक्त शेष हैं तथा कुछ इसमें अज्ञात भी नामजद हैं, उनका भी हम चिन्हांकन कर रहे हैं। जो शेष हैं उनके लिए हमारी टीम लगातार काम कर रही है, शीघ्र ही उन्हें भी हम गिरफ्तार कर लेंगे और उन पर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। कोई पुलिसकर्मी घायल हुए थे उस घटना में? सर, उस घटना में हमारी 2 महिला कांस्टेबल घायल हुई थी और जिनका उपचार चल रहा है, उन्हें चोटें आई थी और शीघ्र ही वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।